गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो फिर से लग रहा होगा ना, क्या है, कहाँ हैं। वैष्णो देवी यात्रा की अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, डिजिटल यात्रा करवाऊँगी, बट वही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। खुद ही लग रहा है करें हो पाएगा या नहीं होगा। अभी सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया, पता नहीं माता रानी क्यों रुष्ट हो गई हमसे, क्या गलती हो गई, हमारी ट्रेन ही मिस हो गई। किस वॉट जी, हाँ हमारी ट्रेन मिस हो गई। छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कल मैं दिल्ली, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं दिल्ली लगभग 12-1 बजे रूम पे हम लोग आ गए थे और बस खाना वाना बनाया, खाया और सो गए, ताकि सुबह के हम लोगों की 4 बजे की कटरा की ट्रेन थी। इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी काम किए और पैकिंग वगैरह भी कर लिए, जो सामान वहाँ ले जाना था। सब कुछ करने के बाद सुबह 2 बजे उठे, और जब उठे तो और नाश्ता वास्ता बनाया कि जो ले जाना है, और हम लोगों को लगा था 4 बजे की ट्रेन है, जो सही था, 4:35 में छूटने वाली थी। बट पतिदेव को कहीं से गलतफहमी हो गई, उनके दोस्त ने टिकट काटा था, तो वो बोल दिए 5:15 की ट्रेन छूटेगी। तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा और टाइम है, तो नहावा लेते हैं फिर निकलेंगे। 4:10 होने को आया तो हम लोगों को कॉल आया, जो हमारे साथ ही लोग थे, जो हमारे साथ जा रहे थे, वो स्टेशन पे थे। कहाँ हो अभी टाइम है ना, तो नहीं 4:35 की ट्रेन है, छूटेगी उस समय। किस वॉट, जल्दी से हम लोगों ने ओला बुक किया, मतलब स्टेशन के लिए निकले, कुछ तम समझ में नहीं आ रहा था, हड़बड़ी में जो तो सामान हम सब लेके दौड़े भागे, ओला का वेट किया, ओला से गए, ओला ने कहा पहुंचा देंगे आपको हम 10 मिनट में। होपफुली लग रहा था कि पहुंच जाएंगे। पतिदेव बोल रहे हैं कि नहीं ट्रेन मिस हो जाएगी, क्योंकि 4:15 हो चुके हैं ऑलरेडी, और जानते हैं आप दिल्ली स्टेशन बिहार की तरह है, नया स्टेशन पहुंचे ट्रेन पकड़ लिए, या बहुत बड़ा स्टेशन होता है वहाँ, पटरी होती है। वही हुआ, मतलब हम लोग गए और स्टेशन तो पहुँच गए, बट प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाते जाते हमारी ट्रेन चल पड़ी। जी हाँ, हमारी ट्रेन मिस हो गई, बस 1 मिनट का फासला था, ओनली 1 मिनट हमारी ट्रेन मिस हो गई। अब देख, शाम की हम लोगों ने नहीं, उसके बाद भी कुछ हुआ हमारे साथ, हम मतलब लगा कि चलो ट्रेन मिस हो गई और हमारी फैमिली नीचे वेट कर रही थी, जो पहुँचाने गई थी, जो वो थी फैमिली जो छोड़ने आए थे, हमारे जो कॉल आया था उनकी फैमिली थी नीचे, वो वेट कर रही थी चल। तो हम लोग नीचे आए और वहीं से पता चला कि उन लोगों को कहा कि ट्रेन मिस हो गई, तो कहें चलो कोई नहीं, हम लोग आप लोगों को रूम पर लेके चलते हैं, चलिए। हम लोगों को लगा इसके बाद ट्रेन शाम की है, न तो बस से जाएंगे, और नहीं उसके बाद भी ट्रेन थी। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 5:45 की ट्रेन थी, और वो भी एक्सप्रेस थी, शायद जनरल टिकट लेके चले जाते, बट हम लोगों ने मतलब ऐसा धक्का लगाना कि भारी उदासी मन से हम लोग रूम वापस आ गए हैं। और उसके बाद पता चला कि यार एक ट्रेन और थी, हम लोग जा सकते थे, बट कोई नहीं, देखते हैं शाम की ट्रेन है और शाम को देखते हैं हम लोग जा पाते हैं या नहीं। नहीं जाएंगे तो माता रानी शायद रुष्ट हो गई है, मनाना तो पड़ेगा ना। और ऐसे बस भी है शाम को, बट ट्रेन से ही हम लोग जाएंगे, उसी टाइम पे ट्रेन भी है, तो देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस दुआ करिए कि हम लोगों की यात्रा बिना कोई विघ्न की पूरी हो जाए। पता नहीं कैसे फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी ट्रेन ही मिस हो गई। ये थी हमारी वैष्णो देवी यात्रा की अपडेट, और जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉगिंग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।